हेलो फ्रेंड्स डाबिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है त्यौहार हो या कोई भी शुभ काम मीठे में सबसे पहला नंबर होता है खीर वो खीर जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम रबड़ीदार इंस्टेंट और झटपट से बनके तैयार होने वाली भंडारे की खीर की तरह एकदम मलाईदार चाहे इसके लिए हम दूध पतला ले या गाढ़ा पर खीर हमारी बिल्कुल 100% परसेंट परफेक्ट बनके तैयार होगी और साथ ही मैं आपको एक रेसिपी और शेयर करने वाली हूँ वो है रोट जो राजस्थान की फेमस रेसिपी है जिसे हम खीर के साथ जरूर खाते हैं तो आज हम जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ उसे शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तो फ्रेंड्स चलिए आप और हम मिलके बनाते हैं इस रेसिपी को यहाँ मैंने एक कटोरी लिए है चावल जो तकरीबन 80 ग्राम के बराबर है एक लीटर दूध में 80 ग्राम चावल परफेक्ट होते हैं तो फ्रेंड्स इसका हमें पूरी तरह से स्टार्च निकाल लेना है या आप देख सकते हैं इसमें जो व्हाइट पानी निकला है मैंने उसे तीन से चार पानी से अच्छे से धोया है और उसके बाद इसमें अब हम पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भीगने रख देंगे जब तक ये भीग रहे हैं तब तक हम रख लेते हैं कढ़ाई और यहाँ मैंने मिट्टी की कढ़ाई ली है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी और हम इसमें ऐड कर लेंगे और आप ध्यान रखिए कि खुला बर्तन लीजिए चाहे आप मिट्टी का लें या फिर कोई भी कढ़ाई उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि दूध हमारा बिल्कुल भी चिपके नहीं यहाँ मैंने एक लीटर सिंपल दूध लिया है कोई मैंने फैट वाला दूध नहीं लिया है यहाँ मैंने प्लेन दूध लिया है और इसे हम अच्छे से एक उबाल आने तक पकाएंगे दूध में उबाल आना शुरू हो गया है इस स्टेज पे हम इसे और थोड़ी देर पकाएंगे फिर इसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ दूध को हमें कंटिन्यूसली चलाना है उसे बीच बीच में छोड़ना नहीं है दूध अब हमारा अच्छे से उबल गया है अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने भिगो के रखे थे चावल भी अच्छे से फूल गए हैं दूध में उबाल आने के बाद जब हम चावल डालते हैं तो दूध हमारा बिल्कुल भी फटता नहीं है और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं चावल के साथ अब हम चावल को अच्छे से इसमें पका लेंगे जब तक चावल हमारे पक रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको रोड बनाने की रेसिपी तो यहाँ मैंने एक कटोरी आटा लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है दो से तीन चम्मच घी और इसे अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे ताकि जो मोन हमने डाला है वो अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो जाए और इसमें मैंने एक चुटकी नमक डाला है क्योंकि ये वैसे बिना नमक का बनता है पर बहुत से लोग बिना नमक का खाना पसंद नहीं करते इसलिए मैंने इसमें सिर्फ एक चुटकी नमक डाला है और अब हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे इसको हमें बिल्कुल टाइट गूंथना है सॉफ्ट बिल्कुल नहीं जिस तरह हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं बस हमें उसी तरह से इसका आटा गूंथ के तैयार करना है है का आटा तो बनके तैयार हो गया है अब इसे रख दीजिए रेस्ट करने के लिए भाई जब भी आप किसी भी तरह का आटा गुने उसे थोड़ी देर रेस्ट करने जरूर रखें अब मिला दीजिए शक्कर वो भी खीर में तो खीर में भाई हमने शक्कर भी मिला दी है अब जरा हम हमारे चावल चेक कर लेते हैं वो पके हैं या नहीं तो फ्रेंड्स चावल भी हमारे अच्छे से पक गए हैं बिल्कुल फूल के बड़े बड़े हो गए हैं जब ये इसके अंदर थोड़ी देर और पकेंगे तो ये बिल्कुल गाढ़े हो जाएंगे खीर को हमें पकने के लिए छोड़ देना है साइड में रख देना है तवा तवे को अच्छे से गर्म होने दीजिए मध्यम फ्लेम पर और साथ अब हम बना लेते हैं रोट तो फ्रेंड्स वैसे तो रोट हाथ से थेप के बनाया जाता है पर मैं यहाँ थोड़ी सी चीटिंग करने वाली हूँ और मैं इसे बेलन से ही बेल के तैयार करूँगी तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको इसे गोल रोटी की तरह बेल लेना है बस ये ध्यान रखना है कि हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है एक मोटी थिकनेस की तरह हमें इसे बेल के तैयार कर लेना है भाई रोट भी बन हमारा बेल के तैयार हो गया है अब चलिए हम इसे सेक लेते हैं और इसे दीजिए तवे के ऊपर थोड़ी देर इसे एक साइड सीखने दीजिए फिर इसे पलट दीजिए तो मैंने इसे पलट दिया है और अब हमारी आती है इस पर एक बहुत ही खूबसूरत सा टीला डिज़ाइन बनाने की तो फ्रेंड्स जब भी आप कभी राजस्थान गए होंगे तो वहाँ इस तरह से छोटी छोटी चिमटियाँ तोड़कर इस पर टीले बनाए जाते हैं और ये बहुत बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छे दिखते हैं देखने में तो फ्रेंड्स अब मैं इस पर मैंने पूरे पे इस पर डिज़ाइन बना दिया और मैं इसे घी डाल सेक रही हूँ घी डालते जाइए और इसे हल्का हल्का घुमाते हुए सेकते जाइए अब हम जब एक साइड से ये अच्छे से सीख जाएंगे तो हम इसे पलट देंगे तो फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे से पलट दिया है मेरी माँ कहती है कच्चा खाना बहुत ही नुकसानदायक होता है इसीलिए जब भी आप खा रोटी को पकाते तो उसे पूरी तरह से पकाइए कहीं से भी ये कच्ची बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए तो मैं इसे बहुत अच्छे से पका रही हूँ और इसे जब ये पक्के तैयार हो जाएंगे तो आप देखें कितनी सुंदर लग रही है गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद और खीर को देख लीजिए तो यहाँ हम डाल रहे हैं सारे ड्राई फ्रूट्स चारोली है काजू किशमिश बादाम और पिस्ता और इसमें साथ ही इलायची पाउडर भी है तो फ्रेंड्स मैंने इन सभी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और दो मिनट हमें और पकाना है फ्रेंड्स खीर हमारी बहुत ही टेस्टी बन तैयार हुई है खीर बनके बन के तैयार हो गई है और इसमें मैंने मिक्स कर दिए है किशमिश का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खासतौर तो पर अभी खीर हमारी बन गई है तो आप चलिए हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी और थिक बन के तैयार हुई है खीर और रोट की रेसिपी तो बन के तैयार हो गई आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आपको नया वीडियो किस रेसिपी का चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं मैं डेफिनेटली आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आइकन को ज़रूर प्रेस करें थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ और न्यू उमंग के साथ